हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस। भारत का भूगोल हमारा सिलेबस चल रहा है और भारत के भूगोल में हम जो है कृषि के बारे में पढ़ रहे थे। कृषि का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है सिंचाई या इरिगेशन, है ना, क्योंकि सिंचाई जो है वो हमारे कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस क्लास में हम जो है सिंचाई क्या होती है उसके बारे में जनरल जानेंगे, सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है और भारत में सिंचाई के अनुकूल दशाएं क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इरिगेशन या सिंचाई है क्या। इरिगेशन का मतलब है नमी, क्योंकि जब हम फसल उगाते हैं तो फसल को नमी जो है वो बहुत एक उसका जो है एसेंशियल कंपोनेंट है। जब हम फसल बोएंगे तो उसको नमी चाहिए चाहिए। वो नमी जो है या तो प्राकृतिक रूप से हो सकती है, यानी कि वर्षा के रूप में हो सकती है, या दूसरा जो है वो नमी हम कृत्रिम रूप से जो है पौधों को दे सकते हैं। तो कृत्रिम रूप से जो नमी हम पौधों को देते हैं उसको हम कहते हैं सिंचाई या इरिगेशन। और ये भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए इरिगेशन या सिंचाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारी कृषि जो है, भारत की जलवायु आपको पता है कि किस तरह की है, कितने टाइम वर्षा होती है, ये सारा हम देखेंगे भी। लेकिन जो है कुल मिलाकर कुल इसका निचोड़ ये है कि क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर वर्षा थ्रू आउट ईयर नहीं होती, यानी कि पूरा साल एक समान वर्षा नहीं होती है, इसलिए सिंचाई एक बहुत आवश्यक तत्व हो जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से जो है सिंचाई है क्या, ये देख लें हम। अगर एक लाइन में हम इसको डिफाइन करें तो सिंचाई है क्या कि वर्षा के अभाव में शुष्क खेतों तक मानव द्वारा जल पहुँचाने की व्यवस्था, यानी कि खेतों में जो फसल हमारी खड़ी है उस तक हम कृत्रिम रूप से जब जल पहुंचाते हैं तो हम उसको सिंचाई कहते हैं। प्राकृतिक रूप से तो वर्षा पहुंचाती है और कृत्रिम रूप से विभिन्न माध्यमों के द्वारा, जैसे कि नहर है, कुएं हैं, तालाब हैं, इनके द्वारा जब हम जल जो है खेतों तक पहुँचाते तो हम उसको जो है सिंचाई कहते हैं। ठीक है, अब जो है भारत की जो दशा है उसमें सिंचाई एक अपरिहार्य तत्व है। इंडियन एग्रीकल्चर जो है बिना इरिगेशन के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हमें भारत में कृषि जो है चालू रखनी है, भारत में कृषि जो है एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया के रूप में जो है कंटिन्यू करना है तो बिना सिंचाई के हमारा काम नहीं चल सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि के लिए सिंचाई एक अपरिहार्य तत्व है। इस तरह की स्टेटमेंट आके आपके एग्जाम में भी आ सकता है, है ना, कि भारतीय कृषि के लिए कृषि जो है अपरिहार्य तत्व है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो उसमें क्या आएगा यही सब पूछा है। तो सबसे पहले हम देखें कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, भारतीय कृषि में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, क्यों जो है एक सिंचाई जो है इरिगेशन एक असेंशियल कंपोनेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वर्षा की अनिश्चित मात्रा है, यानी कि हमारी जो वर्षा है, क्योंकि जो है मैंने बताया कि पौधों को दो तरह से हम नमी दे सकते हैं, या तो प्राकृतिक या कृत्रिम। कृत्रिम हमें तब देनी पड़ती है जब हम प्राकृतिक रूप से उसमें सक्षम नहीं हैं। तो उसी का एक तथ्य है कि क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो है वर्षा की अनिश्चित मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। तो अनिश्चित मात्रा कैसे है, क्योंकि मानसून है, या आपको पता है कि भारत की जो जलवायु है वो मानसून है और पूरी की पूरी कृषि जो है वो मानसून पर ही निर्भर है। मानसून के चैप्टर में हम पढ़ भी चुके हैं कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, क्योंकि जब मानसून अच्छा होगा तो हो जाएगा, कृषि अच्छी हो जाएगी, और जब मानसून नहीं होगा तो अच्छी कृषि नहीं होती। तो वर्षा की अनिश्चित मात्रा यानी कि जो है बहुत कम मात्रा जो वर्षा हमारे पास आती है वो बहुत अनिश्चित रूप से जो है वितरित है, क्योंकि हमारे देश में जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो है यहाँ पर एवरेज जो है अगर हम लें तो 100 सेंटीमीटर से कम होती है, इसलिए जो है वर्षा की कम मात्रा के कारण हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। दूसरा तत्व ये है कि वर्षा का अनियमित आगमन यहाँ पर होता है। अनियमित आगमन का मतलब क्या है कि जो हमारी जो मॉनसून है उसका अनियमित आगमन होता है। वैसे तो टाइम फिक्स है, जून के अंत से लेकर जो है सेप्टेम्बर तक मॉनसून होता है, लेकिन ये आप सभी को पता है कि मॉनसून जो है कई बार लेट आता है और कई बार समय से पहले चला जाता है। तो इसका मतलब अनियमित आगमन है, जो हमारा मॉनसून है वो फिक्स नहीं है कि इस जो है अनिश्चित जो है इसकी अनिश्चितता इसमें जो है हमेशा बनी रहती है, अनियमित रहता है हमेशा जो है
पास में ट्रेन जाती है तो ये ट्रेन की आवाज़ बीच बीच में आती है, कहीं जो है मुझे रुकना पड़ सकता है, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि बार बार इसको स्टॉप करना भी ठीक नहीं है। तो ये मुश्किल से आधा मिनट का समय होता है, तो मैं चुप रह जाऊँगी और ट्रेन की आवाज़ आपको सुनाई देगी, तो मैं वो चीज़ मैनेज कर लूँगी। तो इस पहले वर्षा का अनियमित आगमन हो गया कि वर्षा जो है वो नियमित जो है जो निर्धारित समय है उस पर जो है वो वर्षा नहीं आती है। जो हमारा मानसून का जो समय है, निश्चित समय है, उससे लेट भी मानसून हो सकता है और जल्दी भी लौट सकता है। इसके बाद जो है वर्षा का असमान वितरण है, पूरे देश में वर्षा का असमान वितरण नहीं है, ये हमें पता है कि जो स्थान मानसून पवनों के मार्ग में पहले पड़ता है, जैसे कि हमारा बंगाल हो गया, बिहार हो गया या उड़ीसा हो गया, वहाँ पर वर्षा की मात्रा अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे मानसून अंदर जाता है पंजाब हरियाणा और राजस्थान की तरफ, तो वर्षा का जो है असमान वितरण हो जाता है। जो है हमारे राजस्थान में एक जितनी वर्षा 10 सालों में नहीं होती है, इतनी वर्षा जो है वो मेघालय में चेरापूंजी में जो है एक दिन में हो लेती है। तो कितना असमान वितरण है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है और बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा इतनी ज़्यादा होती है कि बाढ़ बना पड़ता है। तो इस तरह वर्षा के असमान वितरण के कारण भी हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार वर्षा की अल्प अवधि भी है कि वर्षा जो है वो 3-4 महीने में सीमित है। ये हमें पता है कि जो है जुलाई से लेकर सितंबर तक का मानसून का समय है, लेकिन फसलों को तो पूरा साल नमी चाहिए। तो वर्षा की अल्प अवधि के कारण, यानी कि जो 3-4 महीने का समय है उसमें मानसून पवनों में वर्षा के सिमट जाने के कारण हमें जो है सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको अधिक जल की आवश्यकता होती है, उनमें पानी खड़ा ही रहना चाहिए, जैसे चावल। चावल आपको पता है कि महत्वपूर्ण खाद्य फसल है पूरे भारत के लिए ही, तो चावल की फसल ऐसी है कि उसके लिए हमेशा जो है मतलब पानी खेतों में खड़े रहना चाहिए। अब हमेशा तो बारिश नहीं होती है, इसीलिए जो है हमें कृत्रिम रूप से उन खेतों को भरना पड़ता है सिंचाई के माध्यम से। इसके बाद जो है कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता है। बिना सिंचाई के जो खेती होगी वो बहुत कम होगी और वर्ष के एक समय अवधि में होगी, लेकिन अगर हम सिंचाई करेंगे तो हम एक खेत से थ्रू आउट फसल ले सकते हैं, मतलब कि पूरा साल जो है उस खेत से हम फसल ले सकते हैं सिंचाई के माध्यम से। तो हमारी उत्पादकता बढ़ेगी और पॉपुलेशन प्रेशर इंडिया में आपको पता ही है कि कितना है, तो पॉपुलेशन प्रेशर के ज़्यादा होने के कारण भूमि हमारी बढ़ नहीं सकती है, सीमित है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें सिंचाई पर जो है निर्भर रहना पड़ेगा। इसी प्रकार जो है यहाँ पर जल की हानि हो जाती है। भारतीय जो जलवायु तंत्र है उसमें कृषि की हानि होती है, यानी कि जो वर्षा होती है वो उसका प्रभावी जो है वो कम है। जो 3-4 महीने की सीमित वर्षा होती है उस टाइम पर भी हमारी जो वर्षा है वो इतनी प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि जल बहकर जो है वो चला जाता है और नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर जाना चाहिए वो नहीं होता है। तो केवल वर्षा की मात्रा ही कम नहीं है बल्कि वर्षा की प्रभावशीलता भी कम है, जल की हानि को हम इस तरह से। इसके बाद मिट्टी की प्रकृति है कि यहाँ पर जो मिट्टी की प्रकृति है, यानी कि जो हमारी नेचर ऑफ सॉइल है वो क्या है, बलुई है और दोमट है, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी है। तो ये बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी ऐसी है कि जो जल को बहुत देर तक सोख कर नहीं रख सकती है। बालू मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, वो पानी जो है करते हैं और उसके उस वो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, नमी का धारण नहीं कर सकती। तो इसलिए जो है मिट्टी की प्रकृति शुष्क होने के कारण भी हमें बार बार खेतों में पानी जो है देना पड़ता है। इसी प्रकार जो है मूसलाधार बारिश है कि हमें सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी बारिश जो है यहाँ पर हो जाती है और उसके बाद जो है पूरा साल लगभग बारिश जो है वो नहीं होती है। तो इसलिए मूसलाधार बारिश के कारण भी जो है बहुत सारा जल, जितनी वर्षा होती है वो जल भी एक बार में भारत भूमि पर गिर जाता है और वो जो है मूसलाधार बारिश के रूप में बेकार बह जाता है। तो इस तरह जो है ये कारण है जिनके कारण हमें सिंचाई की आवश्यकता भारत में पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है सिंचाई की आवश्यकता के तत्व हो गए। अब हम चलते हैं भारत भूमि पर। ये तो सिंचाई की आवश्यकता हो गई, अब भारत में सिंचाई की अनुकूल दशाएं क्या हैं, अनुकूल दशाएं क्या हैं, यानी कि कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण जो है हमें भारत में जो है सिंचाई आसान है करनी,
तो भारत भूमि पर ऐसे कौन से कारक विद्यमान हैं जिनके जिसके कारण जो है हम सिंचाई जो है यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे भारत में जो है बारहमासी नदियाँ पाई जाती हैं। बारहमासी नदियों का मतलब ये है कि ये पूरा साल बहने वाली नदियाँ हैं, तो पूरे साल बहने के कारण इसमें जो है पूरा साल नदियाँ बहने के कारण यहाँ पर जो है उन नदियों से जो है नहरें निकाली जा सकती हैं और खेतों तक पहुँच कर सिंचाई की जा सकती है। इसी प्रकार यहाँ पर समतल भूमि है, मैदानी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र तो केवल हिमालय प्रदेश है। इसके अलावा की जो भूमि है वो जो है हम कह सकते हैं कि समतल भूमि है, तो समतल भूमि पर नहरें बनाना भी आसान है, कुएँ खोदना भी आसान है, नलकूप खोदना भी आसान है, तालाब बनाना भी आसान है। तो इस तरह समतल भूमि जो है हमारे जो है हमें एक एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट देती है कि समतल भूमि होने के कारण यहाँ पर सिंचाई के साधन आसानी से डेवलप किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर नरम जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जितनी भूमि जो भूमि हमारे पास है वहाँ पर नरम धरातल है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी नरम होती है, ये आपको पता है। उससे जो है आसानी से क्या हो सकता है कि जो है नरम जलोढ़ मिट्टी पे कुएँ भी आराम से खुद सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर तालाब भी बनाए जा सकते हैं और वहाँ पर नहरें भी निकाली जा सकती हैं। इसके बाद उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है तो इस तरह केवल सिंचाई के द्वारा हम अपनी फसल को अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सिंचाई तो हम कर सकते हैं लेकिन मिट्टी तो प्राकृतिक रूप से उपजाऊ है ना, तो उसके साथ हमने सिंचाई ऐड कर दी तो हमारी जो खेती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद पर्याप्त भूमिगत जल है। ऐसा नहीं है बारहमासी नदियाँ हैं तो हम नहरें निकाल सकते हैं, और पर्याप्त भूमिगत जल है तो इसका मतलब हम कुएँ और नलकूप यहाँ पर खोद सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर प्राकृतिक तालाब भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक तालाब यानी कि डिप्रेशन पाए जाते हैं जिसमें वर्षा का जल भर जाता है। छोटे से लेकर बड़े तालाब तक जो है यहाँ पर आसानी से पाए जाते हैं। तो इस तरह ये प्राकृतिक तालाब जो है वो क्या करते हैं, वो टैंक इरीगेशन को बढ़ावा देते हैं। यानी कि इस तालाब से हम जो है छोटी मोटी नहरें भी निकाल सकते हैं और जो है प्राकृतिक रूप से भी जो है हम नालियाँ बनाकर खेतों तक जल पहुँचा सकते हैं। तो ये प्राकृतिक तालाब का ज़्यादा पाया जाना भी सिंचाई के सुविधा को बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद है बांध निर्माण के अनुकूल स्थल। भारत की जो भूमि है वो जो है जो पत्थरी और चट्टानी भूमि जहाँ पर है नदियों के रास्ते में या जो है तालाबों के रास्ते में, क्योंकि पूरा दक्षिणी भारत ही जो है पठारी भूमि है, ये तो आपको पता ही है। तो वो जो कठोर चट्टानी क्षेत्र है नदियों के मार्ग में वो क्या करते हैं, वो बांध निर्माण का अनुकूल स्थान देते हैं। और बहती हुई नदी के मार्ग में आपने जल को रोक लिया तो उस बांध बनाकर उस रुके हुए जल से आप विभिन्न प्रकार की नहरें निकाल सकते हैं। तो इस तरह जो है ये बांध निर्माण के लिए अनुकूल स्थल यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो है सिंचाई की अनुकूल दशाएं हैं भारत में, और सिंचाई के जो है आवश्यकता कि भारत में जब सिंचाई की आवश्यकता क्यों है और अनुकूल दशाएं क्या हैं। तो ये जो हम कहते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, ये वास्तव में कृषि प्रधान इसीलिए बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पर सिंचाई संभव है विभिन्न साधनों के माध्यम से। तो सिंचाई जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये आज की क्लास का तो इतना ही है, आगे जो है हम मीन्स ऑफ इरीगेशन देखेंगे यानी कि हमारी जो सिंचाई है वो किन साधनों से की जाती है, ठीक है, और उसमें जो है एक एक के बारे में जो है विस्तार से जानेंगे। तब तक आप इसको तैयार कीजिए।